अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर मोहम्मद रियाज चौधरी हूँ, प्रेजेंटली वर्किंग एट फातिमा जनाब मेडिकल यूनिवर्सिटी एज एसोसिएट प्रोफेसर एंड कंसल्टेंट एट सर गंगाराम हॉस्पिटल लाहौर, और इवनिंग प्रैक्टिस मैं करता हूँ अम्मार मेडिकल कॉम्प्लेक्स जेल रोड लाहौर। ईएनटी सर्जन जो है वो बुनियादी तौर पे कान नाक गले के जो अमराज हैं उनकी ट्रीटमेंट करता है दवाइयों के साथ भी और सर्जरी करके। बड़ी अहम है ये नाक कान गले की स्पेशलिटी। इसके जो मसाइल हैं उसमें बंदा बड़ा उसमें अपसेट होता है, मसलन अगर साइनोसाइटिस है तो ऐसे महसूस होगा कि हर वक्त उसको एक बोझ सा है और हेडेक है। इसी तरह अगर कान बह रहे हैं तो कान बड़ा सेंसिटिव एरिया है जिसमें कि हेयरिंग के अलावा बैलेंस का सिस्टम भी है, तो उसे चक्कर भी आ सकते हैं, पेन भी रह सकती है। मुसलसल बहते हुए कान जो है और मज़ीद कॉम्प्लिकेशन जो कि दिमाग तक पहुंच सकती हैं वो हो सकती हैं। तो इसी तरह गले के मसाइल भी हैं, गले में बड़ी कुछ सीरियस डिजीज़ हैं जिसमें होर्सनेस ऑफ वॉइस भी हो जाती है, आवाज़ बदल जाती है। तो इसलिए बहुत ही अहम मसाइल हैं जिनको वक्त पे हल कराना ज़रूरी है। नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन यानी नाक का बंद होना, इसकी कॉमन वजूहात जो हैं वो ये है कि उसकी नाक की हड्डी टेढ़ी हो या उसमें पॉलिप्स यानी गदूदें हों या उसकी जो नेचुरल गदूदें हैं वो किसी वजह से बढ़ी हुई हों, जिस तरह के एलर्जी हो सकती है, और इसी तरह और मुख्तलिफ किस्म के ट्यूमर्स हो सकते हैं, को फॉरेन बॉडी है उसके अंदर जिसको राइनोलिथ कहते हैं। तो इस तरह के तमाम मामला से नाक की ऑब्स्ट्रक्शन होती है। जैसे कि अभी हमने नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन का जिक्र किया, तो वो तमाम वजूहात जो नाक के बंद होने का बायस बनती है तो वो साइनोसाइटिस का भी बायस बनती है। नाक का जब साइनोसिस का रास्ता जो कि नाक के अंदर आके खुलता है वो जब बंद होगा तो उसमें पीछे उसमें रतूबतें जो हैं साइनसिस के अंदर जमा हो जाती हैं, जिसकी वजह से वहाँ बैक्टीरिया ग्रो करते हैं और इन्फेक्शन हो जाती है, यही साइनोसाइटिस कहलाती है। चिल्ड्रन में जो ईयर इन्फेक्शन है ये काफ़ी कॉमन मसला है। छोटे बच्चों में कुछ सर्दी लगने की वजह से जब उनकी इम्यूनिटी कम होती है तो उसमें फिर जब नाक कान गले अपना नाक और गले की इन्फेक्शन यानी साइनस राइनाइटिस और फिरेंजाइटिस होती है तो यही इन्फेक्शन कानों की तरफ ट्रेवल कर जाती है, जिसकी वजह से इनिशियली कानों में पेन होती है, कान फिर बहना भी शुरू कर सकते हैं। ये दो किस्म की है कानों की इन्फेक्शन, एक तो अक्यूट इन्फेक्शन है जो कि अगर 3 वीक्स से ज़्यादा ड्यूरेशन नहीं तो वो अक्यूट कहलाएगी, थोड़ी ड्यूरेशन की, और दूसरी है क्रॉनिक जो कि 3 मंथ से अगर ज़्यादा हो तो वो क्रॉनिक इन्फेक्शन। अगर इनिशियली अक्यूट इन्फेक्शन को सही तरह से ट्रीट ना किया जाए तो ये क्रॉनिक इन्फेक्शन में बदल जाती है। दोनों का तरीक़ेकार इलाज मुख्तलिफ तरीके से होती है। नाक की एलर्जी बहुत कॉमन मसला है, बड़ी तादाद इससे आजकल सफ़र करती है। इसका ख़ास वजह पोल्यूशन है जो कि एक एनवायरमेंटल फैक्टर है। अलबत्ता ये जिसको एलर्जी होती है उसमें थोड़ा जेनेटिक बैकग्राउंड अक्सर मौजूद होता है कि बड़ों को अगर एलर्जी वाला मामला है तो बच्चों में भी ट्रांसफ़र होने का डर होता है। लेकिन जो फैक्टर्स एनवायरमेंट के हैं अगर उनसे बंदा अवॉइड कर ले तो फिर एलर्जी नहीं होगी। लेकिन एनवायरमेंटल फैक्टर्स में मसलन ये कि डस्ट है, पोलेंस हैं, उसके बाद ब्लैंकेट डस्ट है, कोई परिंदों के फड़फड़ाने से जो डस्ट पैदा होती है उससे, घर में पुराने कपड़े स्टोर्स उनसे हो सकती है, और इन लोगों में अमूमन वो सर्दी को यानी ठंडी हवा को भी बड़े सेंसिटिव होते हैं, जिसमें उनको फिर नाक की ऑब्स्ट्रक्शन होगी, स्नीजिंग होगी, और उसके बाद नाक में इचिंग होगी और नाक बंद होने वाला मसला होगा, फिर उसमें गले में केरा भी गिरता है। तो ये इसका प्रॉपरली टाइमली एहतियात और इलाज दोनों ही ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर कुछ सालों तक इसका मुनासिब इलाज ना किया जाए तो ये डिज़ीज़ जो है आगे लंग्स की एलर्जी यानी एस्थमा टाइप सिचुएशन में बदल सकती है।
मरहम एक अच्छा फोरम है मरीजों के लिए। पहले आजकल क्योंकि पेशेंट बड़ा कंफ्यूज्ड होता है कि किस की डॉक्टर के पास जाए और किस तरह से उसकी बुकिंग करे, तो मरहम एक ऐसा फोरम है जो लोगों को कि ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि ऑनलाइन आप बुकिंग कर सकते हैं। मरहम अच्छा गाइड करता है जो उनके एरिया में अच्छे एक्सपीरियंस्ड ENT डॉक्टर्स मौजूद हों, तो ये बहुत मेरे ख्याल में बड़ी अच्छी सर्विस करते हैं, रابطے का ज़रिया है ये, और मेरा एक्सपीरियंस मरहम के साथ बहुत अच्छा है। अगर किसी ने पेशेंट ने अपनी अपॉइंटमेंट लेनी हो तो वो ऑनलाइन मरहम पे अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकता है।